हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सारे के सारे आए हो, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और भाई देखो, लम्बा हो गया कैट इंटरव्यू के लिए चल दिया लड़का, और ठीक है, और प्लेन भी आ गया भाई, बैठा के लेके जाए इंटरव्यू के जगह छोड़ दे। तो आज आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा इंटरव्यू क्या चीज़ का था, क्या नहीं है। और थोड़ा जल्दी जाना है मुझे, 10 बजे बुलाया है और 10:34 हो गया इधर ही, कोई मसला नहीं, पास ही है मेरे। और मैं सोच रहा हूँ मेट्रो से जाऊँ या गाड़ी से जाऊं, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं टाइम है मेरे पास, चलते हैं उधर और बाद में आप लोगों को बता दें। ठीक है, कैंट हो गया, देखो एकदम देसी बंदा हो गया। तो भाई फाइनली आ गए हम इंटरव्यू वाली जगह पे। ठीक है, तो थोड़ा दिखाता हूँ मैं बाहर का नज़ारा। ठीक है, ये देखिए, ये इधर प्लेन खड़े हुए हैं एयरपोर्ट पर। ठीक है, और ये पूरा सीन है इधर का। ठीक है, तो मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में बनाता हूँ वीडियो। तो ये देखो, अभी वो प्लेन अभी उड़ा है। बताता हूँ अभी के भाई इंटरव्यू में मैं क्या कौन सी कंपनी में गया था, मैं क्या गया था। देखो भाई, एक इसमें मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था उस दिन मैंने, ठीक है, तो मैंने बताया था कि मैं एक से डेढ़ साल पहले अप्लाई किया था उसमें, तो वो था फील्ड सुपरवाइज़र का। ठीक है, विद एक्सपीरियंस मांगा हुआ था और विद लाइसेंस दुबई का, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो मेरे पास था, तो मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो मेरे पास अभी उसके लिए कॉल आया था, तो मैंने सोचा चलो यार मेरे पास टाइम तो है, इंटरव्यू देना चाहिए सब भी यार का, अगर जो आपके पास टाइम है ना तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर होगा उससे, तो मुझे तो कुछ बेनिफिट ही हुआ उधर जाके, लॉस नहीं हुआ। तो भाई जैसे मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो दो सर बैठे हुए थे मेरे को पहले, जा गया मैं रिसेप्शन पे बैठा उधर ही, कम से कम मेरे को 45 मिनट बैठा है उधर। उसके बाद रिसेप्शन वाले के पास कॉल आया तो मेरे को अंदर भेज दिया कि आपको अंदर उस कैबिन में बुलाया। तो मैं गया उधर, तो दो सर बैठे हुए थे उधर, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे और काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, व्हाई यू आर चेंज योर फर्स्ट कंपनी, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन किए जैसे कि भाई कि मैं पहली कंपनी मैंने क्यों चेंज किया, दूसरी कंपनी क्यों चेंज किया, और आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं। तो ऐसे ही पूछ रहे थे, इंग्लिश में पूछ रहे थे भाई, ठीक है ना, हिंदी में नहीं पूछ रहे थे कि वाई यू आर चेंज योर फर्स्ट कंपनी, और बस ऐसे ही पूछ रहे थे मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। और एक बोलने लगा कि भाई इसकी एज कम है, ठीक है एक उसमें सर बैठे हुए थे बोलने लगे कि इसकी एज, क्योंकि मेरी एज 22 कंप्लीट हो गई है और 23 में रनिंग है। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन करते भी एज, तो भाई ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। तो फिर जब उनका मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, उसके बाद आ गया सैलरी पे। ठीक है, तो बोलने लगे कि कितने सैलरी आप एक्सेप्ट करेंगे, तो मैंने बताया जितना सर आपने न्यूज़पेपर में डाला था, सही है ना, जितना आपने ऐड दिया था मैं तो उसके हिसाब से आया हूँ। तो उसमें 6000 दरम था, ठीक है ना, दुबई का, और विद ट्रांसपोर्ट मतलब जो गाड़ी कंपनी का होता है वो तेल वगैरह तो कंपनी देता है। ठीक है, तो 6000 था, मैंने सोचा 5000 तक तो देंगे, ठीक है, तो ये मेरे माइंड में था। ठीक है, तो मैं जैसे ही गया उधर, सेलेक्ट हो गया, सब काम हो गया, लेकिन सैलरी वो लोग 3000 बोल रहे हैं बाद में कि आपको 3000 हम लोग देंगे, और चलो वो अलग बात है। ठीक है, सैलरी उसके बाद बोल रहे हैं कि आपको या तो हम लोग रसल खेमा भेजेंगे या हम आपको भेजेंगे अलेन। मैं बोला यार एक तो सैलरी कम और ऊपर से आप लोग मेरे को दुबई से मेरे को दूसरे सिटी में भेज रहे हो भाई, ठीक है ना, तो मतलब कि यार एक तो आपके चलो आप मेरे को 5000 दो, मैं चलो मूव हो जाऊंगा, मेरे को मुश्किल नहीं है, मैं इधर से रसल खेमा अलेन चले जाऊंगा, सही है ना, लेकिन कम से कम मेरे को कुछ तो बेनिफिट हो, ठीक है ना, मतलब एक तो मेरे को दुबई भी छुड़वा रहे हैं और या तो रसल खेमा मेरे को भेजेंगे, मतलब दोनों में से कोई किधर भी भेज सकते हो। मैं बोला सर आपने ऐड तो दुबई के लिए दिया था, तो मैं बोलने लगे कि हमारे पास अभी यही हमारे पास जॉब है, अभी उधर हमारे पास खाली जगह है, उधर हम आपको फील्ड सुपरवाइज़र के उसमें भेज रहे हैं। तो मैं बोला चल सर आप मेरी सैलरी 6000 आपने बोला तो 5000 को बताएं, तो भाई मैंने जैसे उन लोगों ने इतना बोला कि 3000 इज़ द लास्ट सैलरी कंपनी की, मैं बोला ओके सर नो प्रॉब्लम, ओके थैंक यू सो मच आई एम गोइंग, ठीक है, तो मैं थैंक यू बोल के बाहर निकल गया। तो मैं बोलने लगे कि सोच के बताओ अपना, तो बोला कल आपको कॉल करेंगे। तो भाई अगले दिन उनका फिर कॉल आया मेरे पास, मैं बोला सर मेरा डिसीजन वही है, अगर जो आप मुझे सैलरी दे रहे हो 5000, ठीक है ना, मतलब 5000, और तो मैं मूव हो जाऊंगा, चाहे आप मेरे को अलेन, आप मेरे को अबू धाबी भेजो, किधर भी भेजो, मेरे को मुश्किल नहीं है, अगर जो नहीं देते
और मेरे को दुबई भी छुड़वा रहे हैं। अगर जो आप दुबई दे रहे हो मुझे, कम से कम जितनी सैलरी मेरी अभी है उतनी दे दो, दुबई में मैं काम करूँगा, ठीक है ना। तो मैं कंपनी को, मेरी इतनी अच्छी कंपनी है, मैं क्यों छोड़ूँ फिर उसको, मतलब कंपनी को चेंज करने का रीज़न होना चाहिए ना। तो मेरी कंपनी तो ठीक है अभी अभी जिसमें मैं परजेंट काम करता हूँ। तो अगर जो आप मेरे को उससे छुड़वा रहे हो, कम से कम मेरे को कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना, ठीक है। तो बस मैं इसीलिए कहता था इसमें कि चलो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। 6,000 सैलरी थी जो उन लोगों ने ऐड दिया था, तो उसी की वजह से तो फिर मैं थैंक यू बोल के आ गया, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन किए उन लोगों ने, और बस यही था, ठीक है। तो मैं कंपनी का नाम नहीं रिवील करूँगा यार, देख कि कौन सी कंपनी थी, लेकिन मैंने आप लोग जो दुबई में रहते हैं, एयरपोर्ट के पास कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो समझने वाले हैं समझ गए, ठीक है ना। ओ बस यही सब कुछ था भाई। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा, मेरे पर काफ़ी लड़के कमेंट कर रहे हैं, पंजाबी लड़के, कि भाई वो कनाडा वाला दोस्त दुबई क्यों आ रहा है, वो पागल है क्या, ठीक है। तो मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों आ रहा है वो, ठीक है। मेरा दोस्त शायद वो फरवरी या मार्च तक वो आ जाए, अगर जो जिस सिचुएशन पे वो काम कर रहा है, अगर जो कंप्लीट हो जाए तो, ठीक है। तो बस इतना ही था। अगर जो कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। काफ़ी दिन से रिप्लाई भी अच्छे से नहीं हो रहा है यार, सच में मैं खुद यार परेशान हूँ क्यों टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, सच में यार। तो ओके, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं आप लोगों से बहुत सारी बातें, ठीक है। और आप लोग जो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करते हैं ना यार, आप लोगों से बोलते हैं रिप्लाई करो, बात करनी, भाई मेरे को भी आपसे बात करनी है, ठीक है ना। मेरे को भी अच्छा लगता है दूसरे के बारे में जानना, तो मैं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ यही कि रिप्लाई टाइम का, थोड़ा सा जैसे टाइम का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए मैं, तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही करने का प्लान है मेरा। तो बस वीडियो बड़ा ही बड़ा होता जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो इसलिए बहुत सारी बातें अंदर से आ रही है, ठीक है ना, माइंड में हर टाइम चलती रहती है। तो भाई हर का क्लियर हो गया, जो होगा कमेंट कर देना यार, ठीक है। और मैं सोता हूँ यार चल के। ओके बाय।